नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है वरखेड़ी गांव के ग्रामीण। डॉक्टरों की कमी की वजह से ग्रामीणों को मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। हिवरखेड़ी गांव में अभी तक नहीं खुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इससे हजारों लोग बेहतर इलाज के अभाव। गांवों में एलोपैथी एवं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी है। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों की कमी है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे कहीं जमीन पर नजर नहीं आते। हाँ, पिछले कुछ सालों में कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि उसे संतोषप्रद माना जाए। पूर्व जनपद सदस्य धनराज वर्मा ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों के लिए उठाए आवाज़। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य रूप से हमारे गांव में स्वास्थ्य विकास कार्य को लेकर भारी समस्या है। हम शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करेंगे। हम चाहते हैं कि जिले में जैसा इलाज होता है वैसी सेवाएं हम गाँव के ग्रामीणों को दी जाए। हमारे गाँव की जनसंख्या 5700 है। जनपद क्षेत्र के आसपास गाँव को मिलाकर लगभग 15000 आसपास है। लोगों को इलाज के लिए चिकित्सक की आवश्यकता है। हम चाहते हैं हर सप्ताह में हमें स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक उपलब्ध कराई जाए। बच्चों के लिए अच्छा चिकित्सक हो। इस गांव में बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों के लिए कोई भी चिकित्सक नहीं है। हम चाहते हैं कि यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलें जिससे हम गरीबों का बेहतर इलाज हो सके। अगर हमारे यहां कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो उसे यहां से 50 किलोमीटर दूर चौराहे लेकर जाना पड़ता है। हमारे गाँव है वरखेड़ी की जनसंख्या 5700 है, लेकिन हमारे इलाज के लिए एक भी चिकित्सक नहीं है। अगर ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा तो हम गरीबों की जान चिकित्सा के अभाव में चली जाएगी। शासन हमारी से बेखबर है। हमारे पास इतना धनबल नहीं है कि हम जिले में जाकर हमारा इलाज करवा पाए। हम गरीब मजदूर हैं। मजदूरी कर हम हमारे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गौरतलब है कि आज भी देश के 7 लाख गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी के अलावा डॉक्टरों की नियुक्ति जरूरत से बहुत कम हो पाई है। राज्यों ने कुछ साल पहले गांवों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सख्त कानून बनाए थे, बावजूद उसके गांवों में सेवा देने से ज्यादातर नए डॉक्टर मना कर देते हैं। विडंबना है कि नौकरी के लिए भरा गया वचन पत्र तोड़ने पर डॉक्टर हर साल करोड़ों रुपए जुर्माना भरते हैं, लेकिन गांवों में सेवा देने से मना कर देते हैं। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। विकास और सभी चीज में जो आने की हमारा ध्यान जाता है। इस गांव के नागरिकों की मानसिकता है कि हम शासन प्रशासन का सभी अंगों और सभी अनुशासन के जो निर्देश होते हैं उनका पालन करेंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रूप ये है कि हमारी जो एकता किसी अखंडता को बनाने के लिए नहीं है, लोगों की जान बचाने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, वर्तमान सरकार जो है हाँ। उससे आप क्या चाहते हो? हाँ, जो हम तो आपके सरकार से चाहते हैं कि हमारे जिला अस्पताल से जो इलाज होता है और हमारी 15000 पब्लिक हमारे गाँव की जनसंख्या गाँव में, तो उसका इलाज के लिए वो हर सप्ताह में हर विभागीय जैसा माना जाता है कि बच्चों का डॉक्टर अलग अलग विभाग के डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर को एक एक दिन का समय इस जगह पर लगाए जी, एक एक दिन के लिए यदि सुनिश्चित किया जाए तो शासन की मानसिकता निश्चित ही पूर्ण होगी। और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमारे गरीबों की जान डॉक्टर के अभाव में चली जाएगी, जिसको शासन नहीं बचा पाएगी और उनके पाला लोग भी बचा पाएंगे। इतना धनबल हमारे पास में नहीं है। गरीब नागरिक लोग हैं, अपना जीवन मजदूरी करके पाल रहे हैं, अपने बच्चों का इलाज करवाने में असमर्थ हैं। यदि डॉक्टर के इलाज के लिए जाते डिग्री वाले पास में, तो हमारी ऐसी मानसिकता है कि 200-400-500 रुपये हमको पहले फीस लगेगी, यदि उल्टी दस्त तुरंत हमारा बेटा बच्चा हमारे गाँव में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमको जो भी डॉक्टर इस जगह पर इलाज कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे आप उनको बंद ना करें, उनको निश्चित ही बंद करें, लेकिन तब करें कि हमको डॉक्टर की व्यवस्था दे दें सभी समस्त विभाग के लिए। यदि हमारी डॉक्टर की व्यवस्था इस जगह पर हो जाएगी तो आप शासन प्रशासन कठोर कदम उठाना और ढूंढ ढूंढ के सबको निकाल देना, लेकिन जब तक डॉक्टर की पूर्ति नहीं होगी हमारी एकता डॉक्टर के प्रति सभी हेवर खेली एकता हर कदम बढ़ेंगे सर आपका नाम धनराज वर्मा। आपकी रोड और सड़क नाली को लेकर क्या समस्या है? हमारी रोड और सड़क को लेकर हमारी मानसिकता ये है, हमारे जो ग्राम सरपंच है जी, उनने शासन प्रशासन से मांग की है और शायद मेरे अनुभव में ऐसा मालूम भी है कि कुछ रोड सेक्शन हो चुकी है जो हेवरखेड़ी से
चौहरी रोड जाता है, हेवरखेड़ी सिंगोरी से होते हुए वो रोड सेक्शन हो चुका है जिसका अभी सर्वे चालू है। हम शासन से अभी संतुष्ट हैं जी। आपका नाम एक बार और बता दीजिए। धनराज वर्मा, पूर्व जनपद सदस्य, हेवरखेड़ी।